खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद रई राव की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिविजन शुब इकबाल सैयद की जेर सदारत यौम दफाए पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तकरीबात के इनकाद के इंतजाम के हवाले से जायजा इजलास। 6 सितंबर 1965 मुल्की तारीख का एक ऐसा यादगार दिन है जब पूरी कौम ने सीसा पलाई हुई दीवार की तरह मुतहद होकर 6 गुना बड़े दुश्मन के मजूम अजायम को नाकाम बनाकर दुनिया को ये वाजिया पैगाम दिया कि मुल्क का बच्चा बच्चा दफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। 1965 की इस बेमिसाल जज्बे को दोबारा ताजा किया जाए ताकि कौम फिर से मुतहद होकर दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करे। कमिश्नर शुब इकबाल सैयद अजलास में तीनों अजला के डिप्टी कमिश्नर इकरामुल हक, डॉक्टर जिशान हनीफ, इम्तियाज अहमद खान किची, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन शफीक अहमद डोगर समेत मुतलका महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इस अहम कौमी दिन पर तजदीद अहद के लिए साहिवाल आर्ट्स काउंसलर के जेरे तमाम मरकजी तकरीब जना हाल में मुनक्कद हो गई जिसमें कमिश्नर साहिवाल मेहमान खसूसी होंगे।